हेलो बच्चों, आज हमारी यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। अब ये जो है वेरिएशन मोलर कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम देखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग देखेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग देखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट की, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है मोलर कंडक्टेंस पर। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ। ओके, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो उनकी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? विद मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, तो जब मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, जब आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, या फिर हम ये कहते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज हो, एक ही बात है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। बट डिक्रीज इज वेरी स्लो, पर जो डिक्रीज होता है, जो इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टेंस में, वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। बट इंक्रीज इज वेरी स्लो। जो मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ जो वेरिएशन होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। बट इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज इज वेरी स्लो, बट जो इंक्रीज होगा वो बहुत कम होगा, क्लियर, ठीक है। इसका जरिए अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? यहां पर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस ले लिया हमने, और इस पर ले लिया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब हमने यहां पर कह दिया कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो मोलर कंडक्टेंस आपकी इंक्रीज होती है। बट क्यों इंक्रीज होती है, क्या रीजन है इसके पीछे, अब ये देखते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इजिली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, क्लियर। ओके, तो उनका जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी हाई होता है। क्या होता है? उनका मोलर कंडक्टेंस हाई होता है। और जो आयंस होते हैं उनके, उनमें अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? HCl है, ठीक है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कैसे ब्रेक डाउन होगा? एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, यही होता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस, और ये भी आपका एक्वस, क्लियर। तो ये ऐसे ब्रेक डाउन होता है। तो इनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन को हम कम करते हैं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर कहा है कंसेंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम कंसेंट्रेशन को कम करते हैं, यानी डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव। मोर आयंस आर फ्री टू मूव। और जितने आयन फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, उनका मोलर कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ मोल्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी आयंस में से, तो उनका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो मोलर कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। दैट मीन्स जहां पर कंसंट्रेशन क्या करती है? जीरो टेंड करती है। कंसंट्रेशन क्या करेगी? अप्रोचेस टू जीरो, वहां पर आपका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, इसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा, क्लियर। यहां पर कुछ पॉइंट्स पर अगर हम लें तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है इधर की साइड, इधर साइड कंसंट्रेशन कम हो रही है, इधर साइड कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। बट इंक्रीज इज वेरी स्लो, ज्यादा इंक्रीज तो है नहीं, वेरी स्लो। तो ये किसके लिए है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका HCl, KCl, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, क्लियर। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका ये ग्राफ आएगा। ओके,
ओके रीजन भी जान लिया आप सबने, जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो मोर आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और जहां आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होती है और मोलर कंडक्टेंस आपका ज्यादा होगा, मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा सी टेंड थ्रू जीरो दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट जो डाइल्यूशन होगा ठीक है वहां पर दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा क्लियर। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज योर बी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा ठीक है, इंक्रीजेस विद मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ मोलर कंडक्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है ठीक है। आप देखिए क्या होता है इस केस में, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं ठीक है, कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं तो इनका मोलर कंडक्टेंस भी लो होता है रूम टेम्परेचर, दे हैव लो मोलर कंडक्टेंस एट रूम टेम्परेचर, बट जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं हम क्या करेंगे डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो डिग्री जो डिसोसिएशन है आयंस का वो ज्यादा होगा, डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच का कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आयन डिसोसिएट होंगे तो जो आयन डिसोसिएट होंगे वो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा और आपका मोलर कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है। तो क्या होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी दैट्स व्हाई इनका मोलर कंडक्टेंस कम होता है, पर जब हम इनमें कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं इसमें हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे दैट मीन्स हम डाइल्यूशन को बढ़ा देंगे ओके। डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ आयन होता है इसमें ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ आयन होगा तो आपका मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज होगा क्लियर। तो इस केस में भी दोनों केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस ओके। पर यहां पर जो इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टेंस में वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा इसमें देखिए, यहां पर सी है आपका, यहां पर मोलर कंडक्टेंस है तो इसमें ऐसा ग्राफ आएगा ठीक है, ये ग्राफ आता है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है आपका, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है आपका ऐसे ओके। देखिए कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है ठीक है ओके। ये किसी पॉइंट पर ये इधर इधर बढ़ता जा रहा है, इधर क्या हो रहा है आपका बढ़ता जा रहा है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज एकदम से क्या हो गया बढ़ गया ठीक है ओके। तो ये किसके लिए है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एसिडिक एसिड है CH3COOH ओके एसिडिक एसिड तो उसके लिए ये ग्राफ क्लियर ओके। तो ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट भी आपका दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है क्लियर। चलिए आप इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स आयन भी लिखते हैं यहां पर इट्स आयन्स बायपासिंग इलेक्ट्रिक करंट ओके उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं तो वो अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ओके इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और जिस कंटेनर में ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिस कंटेनर में ये जो प्रोसेस होता है उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कंटेनर है इसमें इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोलाइट ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है क्लियर दो इलेक्ट्रोड होंगे इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसमें जो हम करंट पास करते हैं वो डीसी सोर्स से पास करते हैं ठीक है करंट पास थ्रू डीसी सोर्स एंड टू इलेक्ट्रोड्स आर टेकन ऑफ सेम सब्सटेंस दो इलेक्ट्रोड ली जाते हैं जो सेम सब्सटेंस की होती है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट की हो गई ओके तो ये हो गए दो इलेक्ट्रोड्स हैं आप ये इलेक्ट्रोड्स हैं डीसी सोर्स से इनको कनेक्ट करेंगे हम पहले देख लीजिए इसमें एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है इधर कैथोड कैथोड कैसा इधर होता है एनोड सॉरी इधर क्या होता है आपका एनोड और इधर होता है आपका कैथोड ओके कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिव चार्ज और ये जो रॉड्स हैं ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं ये भी किसका है आपका ग्रेफाइट का है ओके ग्रेफाइट की रॉड्स हैं ये इलेक्ट्रोड बोलेंगे हम इनको ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है दोनों ओके पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए और ये कनेक्ट क्लियर चलिए ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट ठीक है एक्वस फॉर्म में है ये एक्वस फॉर्म में होता है ये जो कंटेनर है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं क्लियर ठीक है तो ये अरेंजमेंट होता है इसमें कि एक सबसे पहले हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है टूट जाता है ठीक है इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं जिस कंटेनर में ये प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं क्लियर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हम करंट पास करते हैं वो डीसी सोर्स से पास करते हैं किसे करते हैं डीसी सोर्स से ठीक है और उसमें दो रॉड्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो सेम सब्सटेंस की बनी होती है फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेफाइट क्लियर जिनमें से जो आपका कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज होता है एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे बेसिकली क्या होता है कॉमनली एनोड नेगेटिव होता है कैथोड पॉजिटिव होता है बट इसमें अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है अपोजिट होता है ठीक है चलिए जब इसमें से करंट पास किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा अपने आयंस में टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कहां जाएंगे कैथोड पर जाएंगे पॉजिटिव आयंस कहां जाते हैं कैथोड पर और नेगेटिव आयंस कहां जाते हैं आपके एनोड पर क्योंकि एनोड क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ठीक है आयंस क्या होते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ठीक है यानी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं आगे समझ में तो ये प्रोसेस हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया क्लियर चलिए अब उसके बाद क्या होगा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज का
फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, फैराडेज फर्स्ट लॉ आपका ये टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ में देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था, जिसको कहा जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, अमाउंट कह लो वेट कह लो, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, हमने अभी क्या दिखाया आपको कि कंटेनर होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है, और ये डीसी सोर्स से कनेक्ट होता है, एमीटर लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव आयंस होते हैं या नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ कहीं पर डिपोजिट हो जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ये जो सब्सटेंस यहाँ का होकर अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर डिपोज होता है, ठीक है। तो द वेट, अमाउंट, जो भी कह लीजिए आप, क्वांटिटी, तो द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, जो वेट डिपोजिट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, ठीक है। कि कितनी उनमें से क्वांटिटी पास हो रही है, जैसे मैंने मान लिया वेट डब्ल्यू है, कि डब्ल्यू वेट डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर डब्ल्यू, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैंने कह लिया, हमने कह लिया, या फिर क्या कह क्यू कह लिया हमने, क्या कह दिया हमने यहाँ पर क्यू, तो डब्ल्यू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू होगा। कि मैंने कह दी यहाँ पर W पे डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पर और Q इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, तो W जो है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हमें पता है Q क्या होता है, I इंटू टी होता है, Q क्या होता है, करंट इंटू टाइम, ओके। तो क्या होगा, ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं जिसको बोलते हैं जेड, ठीक है। ये जेड जो है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके, जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ओके। तो देखिए, व्हेन आई इज इक्वल टू वन एम्पियर, जब आपका करंट कितना होगा वन एम्पियर, टी इज इक्वल टू वन सेकेंड, टाइम क्या होगा आपका वन सेकेंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा अभी तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, W इज इक्वल टू जेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन वन एम्पियर करंट पास थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड, पास थ्रू द इलेक्ट्रोड इन वन सेकेंड, ठीक है। कि जब वन एम्पियर करंट पास होता है एक सेकेंड में, तो उस टाइम इलेक्ट्रोड पर जो वेट डिपोजिट होता है, उस वेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। तो फर्स्ट लॉ हो गया ये फैराडेज का, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर पास थ्रू द इलेक्ट्रोड, कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, डिफाइन करते हैं इसको, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द, थ्रू द इलेक्ट्रोड,
कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली directly proportional to the their equivalent weights. Equivalent weights. देखिए इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ले लिए, यानी ये तीन हमने यहां पर कंटेनर ले लिए, तीन कंटेनर ले लिया हमने यहां पर. ओके चलिए, हो गए तीन कंटेनर. इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहां पर है जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसमें है कॉपर सल्फेट CuSO4. क्लियर? चलिए, दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा. क्लियर? इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड. एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा. क्लियर? चलिए, ये जो है आपका एनोड पॉजिटिव, ये वाला आपका नेगेटिव. ठीक है, हम इसको कनेक्ट करेंगे. कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसको? पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये क्या है आपका? नेगेटिव है. यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव. ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये जो नेगेटिव है आपका ये इसके साथ कनेक्ट होगा. क्लियर हो गए कनेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ये हमने यहां पर कनेक्शन. तो क्या कहते हैं इसमें कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन सीरीज, इन तीनों इलेक्ट्रोड से, ये जो तीनों कंटेनर्स हैं इनसे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है और ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है ये. ठीक है, देन क्या होगा? जो वेट डिपोजिट होता है, सीरीज वेट डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो वेट डिपोजिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके जो सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका सिल्वर डिपोजिट हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है आपका? डिपोजिट हो रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, ऐसे ये सिल्वर डिपोजिट हो रहा है, तो वेट ऑफ सिल्वर जो होगा, वेट ऑफ सिल्वर Ag इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag. ऐसे यहां पर जो जिंक डिपोजिट होगा, वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ऐसे जो कॉपर का वेट होगा, वेट ऑफ कॉपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर होगा. क्लियर? तो किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपोजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके इक्विवेलेंट वेट के होता है. फर्स्ट लॉ में तो क्या था? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास हो रही है उसके बराबर था. यहां पर क्या है? जो सब्सटेंस का वेट डिपोजिट हो रहा है ना, उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है. ठीक है, तो मान लीजिए जैसे यहां पर सिल्वर का जो वेट है, वेट ऑफ सिल्वर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के. जिंक का जो वेट होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के. यहाँ पर जो कॉपर का वेट डिपोजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के. ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का. क्या है ये? फैराडेज सेकेंड लॉ. क्लियर? तो ये हो गया आपका फैराडेज सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, और इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया आपका, एंड वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? ओके, थैंक यू.